तो गाइस पता नहीं आज क्या हो गया, मैं जस्ट अभी ऐसे नॉर्मल बैठा था और मेरे को रेटलर भाई का मैसेज आया, उनके कुछ पंगे हो गए क्लासी भाई की गिल्ड में, पता नहीं क्या पंगे हो गए। अब मैं सीधा ऑनलाइन तो आ गया हूँ, उनको बुलाते हैं, देखते हैं उनका सीन ऐसा हुआ क्या है उनके साथ। ये हरिसूदन और रेटलर पता नहीं बहुत ज्यादा हड़बड़ाए थे। रेटलर भाई को दिया इनवाइट। हेलो रेटलर भैया। या हाँ भाई बोलो भाई, कैसे परेशान हो, क्या हो गया? बस भाई कुछ सही नहीं चल रहा भाई, गिल्ड वेल्ड का थोड़ा सीन चल रहा था। और बताओ सब ठीक ठाक? ठीक ठाक तो कुछ नहीं है फिलहाल। क्यों क्या हो गया, क्या पंगे पे गया, तुम बड़े परेशान से लग रहे हो यार। क्या बताए भाई, थोड़ा सीन हो गया था गिल्ड रिलेटेड। मैं क्या कहता हूँ, मेरे को एनजी ज्वाइन करना है वापस से। गिल्ड एनजी ज्वाइन करना है भाई, इतना बड़ा डिसीजन कैसे है? मतलब लाइक यार तुम्हारी गिल्ड इतने टाइम से तुम उसमें हो, नेक्स्ट टीम है और काफी नाम तुम्हारा उधर है, काफी लोग तुम्हें उधर जानते हैं, फिर लाइक ऐसा क्या क्यों? बस वो थोड़ा सीन हो गया था, मतलब एक दो मैच में एफपीएस वगैरह के कारण किल नहीं होते तो बंदे ट्री सीज करने लग जाते हैं भाई, कल के आए लौंडे। अरे भाई साहब पंगा हो गया, तुम्हारी प्रोफाइल वगैरह तो सब सही से चल रही है यार, तुम्हारी गेम भी सही है, ऐसा क्या दिक्कत है? मतलब लाइक होता है ना, मतलब नए बंदे आते हैं एक दो मैच में परफॉर्म नहीं करे तो भाई थोड़ा टीज वीज करने लग जाते हैं भाई, बुली करते हैं। तो इस चक्कर में गिल्ड में थोड़ी ना छोड़ दोगे यार भाई, बहुत हो गया भाई अब तो। अरे कोई बात नहीं, सहल हो थोड़ा, क्या हो गया? अब अरिसुदन का क्या पंगा है फिर? पता नहीं, फिर वो तो भाई दोस्त ही, तो फिर पता नहीं उसका क्या सीन है। मतलब तुम्हारे साथ वो भी आएगा फिर, मतलब वो भी छोड़ रहे हैं। अरे भाई बट यार अगर तुम दोनों ही छोड़ोगे तो क्लासी भाई कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाएंगे स्क्वाड में। क्लासी भाई है वैसे बहुत बंदे है भाई खेलने वाले, तो यार कहीं ना कहीं जो लोग देखते हैं तुम लोगों को भाई सबके लिए बहुत बड़ा सदमा होगा, एक झटका होगा कि रेटला और रिसुदन कहाँ गए गिल्ड छोड़ के। भाई भाई पर क्या ही कर सकते हैं भाई, ऐसे सुन के थोड़ी ना खेल सकते हैं भाई हर बार। गाइस पंगा बड़ा लंबा पै गया है दोनों भाइयों का, तो यार तुमको पता तो है गिल्ड के लिए टेस्टिंग वगैरह लेते हैं तो गेम चल भी रहा है भाई, तो देख लो भाई खेल लेंगे, उसमें क्या है पता नहीं है क्या भाई, खेल तो लेते ही। हाँ वो तो खेल लेते हैं पर देखो यार ऐसा ना हो कभी गेम के अंदर जिस वजह से तुम गिल्ड मारे हो, कभी मैं भी ऐसे ही बोलूं कि नूप से लग नहीं रहा, नूप से मारा नहीं जा रहा। भाई मैच में देख लेंगे ना भाई, ऐसे बोलने से क्या होता है भाई यार। तुम इस बात के ऊपर गिल्ड टेस्टिंग देना चाहते हो एनजी की, और एनजी में गिल्ड टेस्ट आने के लिए तुमको पता है कितना हार्ड हो जाता है, 2v6 करना पड़ेगा कहीं ना कहीं तुम दोनों को, छह बंदे भाई सामने कर लेंगे। मैं पहले भी एनजी टेस्ट देके आया था और अब भी आ जाऊंगा, और क्या है भाई। पर पहले सिचुएशन अलग थी, पहले तुम अपने आप को लाइक गॉड लेवल गेम प्ले तुम्हारा दिखता था, और जैसा भी तुम बता रहे हो कि तुम्हारे एफपीएस वगैरह नहीं आ रहे हैं आजकल, थोड़ा गेम डाउन सा हो रहा है। ऑनलाइन नहीं आते, ऑफलाइन में तो हैकर है, पैनल लगा के मार देंगे, दिक्कत ही नहीं है। चलो अगर पैनल कहीं पकड़ा ना जाए ऐसा देख लेना, फिर एक्सपोज कराते फिर तो देख लेंगे भाई देख लेंगे। तो छह बंदे बुलाए जाए तुम्हारे सामने दोनों के, बुला लो भाई। हो तैयार गिल्ड टेस्ट के लिए? पक्का डन, बुला लिया जाए। और सामने जो छह बंदे होंगे ना, हील रिवाइव हर चीज करने वाले हैं, तो ध्यान रखना ये बात है, ऐसा रहता है रूल। हाँ भैया वो सब करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, रूल नहीं, वो कुछ भी। चलो भाई हम भी देखते हैं, फिर हम भी मार देते हैं भाई बॉडी हेड स्पैम वगैरह। तो यही करना पड़ेगा क्योंकि जितने बड़े तुम प्लेयर हो ऐसे ही तो प्लेयर लाने पड़ेंगे, तुम्हारे लिए कम से कम छह तो कम पड़ जाएंगे, आठ बंदे चाहिए पर आठ बंदे ला नहीं सकते, इसलिए छह बंदे ही आपस में रिवाइव करेंगे और जीतने के लिए खेलेंगे पूरा गेम। ठीक है भाई देखते हैं। और एक और बात भैया, अगर तुम इस गेम को हारे ना तो मैं इसकी वीडियो बना के डालने वाला हूँ यूट्यूब पे कि गिल्ड टेस्ट के लिए आए थे रेटलर और रिसुदन हार कर चले गए। ये तो देखो, चलो कोई ना भाई, कॉन्फिडेंस है भाई, हार ही नहीं सकते भाई हम लोग। गिल्ड टेस्ट यहां पे फेयर होता है एनजी में जितना भी होता है, आपको पता होगा भाई एनएक्सटी के है भाई, एनजी में भी थे, मतलब सोच ही लो दोनों गिल्ड तो ऐसी है, तो फिर कैसे हारेंगे कैसे भाई, 2v6 है भाई। चलो देखते हैं कैसा तुम गेम दिखाओगे, छह बंदों को बुला देते हैं और देखते हैं तुम्हारा गेम 2v6 का। तो गाइस यहां पर रेटलर और अरिसुदन आ चुके हैं गिल्ड टेस्ट के लिए, वो भी एनजी के। क्या ये दोनों इस टेस्टिंग को पार कर पाएंगे? क्या रेटलर अरिसुदन मैच करा दिया जाए स्टार्ट? हाँ, करा दो। ठीक है तो करा देते हैं मैच को स्टार्ट और देखेंगे क्या होगा इस टू पे एनजी गिल्ड में टेस्टिंग देना, क्योंकि आज सामने छह विरोधियों को है रोकना। चलिए हाथ में M10, क्या होगा? अरिसुदन है तैयार, अब ले लिया UMP का स्प्रे और हेडशॉट, एक नॉक, पहला नॉक देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी भी 1v4 की, ओहो लगातार नॉक है पे, एक और हेडशॉट, बाप रे बंदों को पागल कर दिया है इस बंदे ने,
क्या मारा यहाँ पे, और एक और हेडशॉट लालम लाल खुनम खान कर दिया। भैया क्या कर रहा है, अरे भाई कोई तो रोक लो इसको, क्या मार रहा है बंदा भाई, क्या है ये नॉक को भी हेड, पूरा रेड 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 देख रहा हूँ मैं इस कस्टमर। अरे भाई आखिरी बंदा रह गया है, अरिसुदन अकेले 1v6 कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। अरिसुदन यहाँ पे यूएमपी से ट्राई कर रहे हैं, पर सामने वाला बंदा भी यूएमपी से, आखिरी बंदा यहाँ पे, और M10 का वन टैप आएगा और पहला राउंड बड़े प्यारे तरीके से ले गए अरिसुदन यहाँ पे। एक प्लेयर और लीजिए, रेटलन ने अपने वन टैप का स्वाद चखा दिया है प्लेयर को, 2v5 हो गई है सिचुएशन। अरिसुदन लेफ्ट से जा रहे हैं रेटलर के सामने, अरे भाई रेटू रेटलर क्या मारोगे, वन टैप यहाँ पे, अरे भाई 103 बंदा है भूपे, ये फट जाती है जब एक साथ भूपे बंदे आते हैं ऐसे, और एक कौन नॉक कर दिया है पीछे से अरिसुदन ने, फाइट 2v3 की, अब 2v2 की हो गई है, दोनों साइड दो दो बंदे, काफी अच्छी सिचुएशन को संभाला है अरे रेटलर ने, अरे भाई ये बंदा तो पूरा लाल मार रहा है। अरिसुदन हैक लगा रहा है क्या, और उधर से रेटलन ने भी हैक लगा के मारा है क्या, अरिसुदन है तैयार यहाँ पे, NXT के बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं अरिसुदन पर, अब MG माना चाहते हैं, और रे बाप रे हिला दिया है एक बंदे को पूरा पूरा, काफी तगड़ा हेडशॉट देखने को मिलेगा, और UMP लाल चले गया पर अरिसुदन की तरफ से, और उधर रेटलन ने एक को नॉक ले लिया है, 2v4 फिर से होता दिखेगा, और एक और वन टैप, अरिसुदन भैया, अरे भैया पागल हो गया ये, अरे कोई तो रोक लो इसको भाई, लाल लाल झा देखो हेडशॉट, ये इम्बोट है क्या भैया, ये क्या है, 2v3 की सिचुएशन यहाँ पे, रेटलर देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे, अरे भाई जाते जाते नॉक भी किया पर खुद भी नॉक हो गए, फायर पावर इतनी, अरे भैया क्या चल रहा है इस कस्टम में, ओनली रेड रेड देख रहा हूं मैं, और बंदों को रिवाइव कर लिया, फिर से तीन बंदे हो गए और फिर से हेड, भैया ये बंदा कुछ लगा रहा है क्या, अरिसुदन भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, ये लाल लाल बहुत ज्यादा दिख रहा है मेरे को, और चलिए यहाँ पे बंदों ने तीन बंदे रिवाइव हो चुके हैं सामने इतने नॉक होने के बावजूद भी, और काफी अच्छे हेडशॉट सरी की तरफ से, देखते हैं क्या पे राउंड निकाल पाएंगे, क्या 1v3 पॉसिबल है, क्या गिल्ड के अंदर आना पॉसिबल है एनजी के अंदर, देखते हैं अरिसुदन भाई, अरे भाई ट्राई कर रहे हैं और डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है यहाँ पे, अरे पर डैमेज भी पड़ा है और बंदे को फिर से नॉक कर देंगे, और एक और वन टैप पर पीछे से UMP का सीधा हेड, कामी भाई ने अकेले मैच निकाले और कम बैक करे और बता रहे हैं कि 2v6 आसान नहीं होने वाला है मेरे भाई, देखते हैं क्या स्ट्रेटजी रहेगी, अरे बाप रे वन टैप मारे भैया, ये तो बड़े खूंखार हैं दोनों प्लेयर, क्या खा के आए ये दोनों, चलिए देखते हैं, अरे भाई रेटलर 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 हवा टाइट कर दी है इस बंदे ने तो यार, क्या मार रहा है रेटलर भी कम नहीं, और इधर से अरिसुदन भी कम नहीं, पर अरिसुदन भी नॉक हो जाएंगे, एक और राउंड निकाल सकते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होगा इस राउंड में, ओके अरे भाई 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 डैमेज पड़ा है, सामने बंदा है भाई, बंदे बड़े समझदारी से खेल रहे हैं सामने वाले, बिल्कुल भी रस नहीं कर रहे हैं एक्स्ट्रा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पता है उनको कैसे खेलना है, लेट्स अरे लो भैया गलती करवाई एक प्लेयर से, इंतजार किया उसका और सीधा आते ही हेडशॉट मार दिया, 1v2 की सिचुएशन, दो दो बंदे एक साथ, देखते हैं 1v2 में क्या होने वाला है यहाँ पे, दोनों प्लेयर सामने इंतजार में यहाँ पे, अरे अरे धीरे धीरे आ रहे हैं भाई, रिवाइव करने जाएंगे कि उस प्लेयर को, जहाँ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और पैक कर लिया है, पैक कर लिया है दोनों प्लेयर ने, शायद रिवाइव कर रहे हैं, सामने बंदा बॉडी मारेगा ऊपर, इधर से हेडशॉट जाएगा, भैया क्या खेल रहा है रेटलर, 1v2 की सिचुएशन, दो बंदे हम सामने देखेंगे, बीमारी है, अरे 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 क्या होगा बॉडी, अरे अरे भैया हालत खराब यहाँ पे, हालत खराब मैच में, अरे वन टैप आएगा भैया, 1v1 के फाइट, उधर से बॉडी मार रहा है वो प्लेयर सीधा, और लीजिए बॉडी बॉडी के साथ ही ले जाएगा, और मैच 2-2 पे, बाप रे कुछ भी हो सकता है इस मैच में, देखते हैं क्या होगा, रेटलर इधर है, एंट्री पा पाएंगे गिल्ड के अंदर, क्या गिल्ड के अंदर एंट्री बना पाएंगे अरिसुदन और रेटलर, लेट्स सी 2v6 के फाइट, फिर से स्टार्ट फैक्ट्री के राउंड, और अरिसुदन ने टंके बजा दिए नॉक करके एक प्लेयर को, लीजिए 2v5, देखते हैं क्या होगा इस मैच में, 2v5 निकलेगा, लेट्स सी, रेटलर लेफ्ट की साइड है, चार में सामने से बंदा आएगा इधर से रेट, अरे अरे भाई दोनों प्लेयर के सामने, और इधर अरिसुदन ने जाते जाते एक को नॉक करा पर, और यहाँ पे रेटलर भी खत्म भाई, हारने वाले रेटलर और अरिसुदन, 2-3 हो गया, अरी जा रहे हैं राइट से और रेटलर जाएंगे अंदर से, और चाहते से एक की खोपड़ी खोल देंगे, सरप्राइज दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सोचा नहीं था कि सीधा घुस जाएगा रेटलर, रेटलर ने घुस के पारी खेली है, अपने आप पे रिस्क लिया रेटलर ने, क्योंकि रेटलर अगर नॉक हो जाते तो अरिसुदन यहाँ पे 2v6 नहीं निकाल पाते मेरे ख्याल से, पर यहाँ पे एक को नॉक करा जरूर है, 2v5, और रेटलर ने एक को नॉक कर दिया है, ओहो रेटलर यहाँ पे गेम चेंजिंग पारी खेल रहे हैं, एक और नॉक, सिचुएशन में घुस के
1v3 मारा है अंदर जाके और रवि सुदन ने एक को बॉडी और हेड के साथ मारा है। भाई क्या ये मूव था रेटलर का, रेटलर ओपीआर 2v2 मैच लेके आ गए, क्या ही कॉन्फिडेंट यहाँ पे रेटलर का। और एक और रेटलर ने नॉक मारा है, 5 नॉक रेटलर के नाम अकेले के इस राउंड में। ओ माय गॉड रेटलर रेटलर रेटलर, ओहो आखिरी प्लेयर अरी के सामने। अरे भैया क्या मारा ये हेडशॉट पर गाइस, तारीफ करनी पड़ेगी रेटलर की। आखिरी राउंड फिंगर क्रॉस, अरी सुदन का नॉक, क्या बात यहाँ पे तबाही मचा दी अरी सुदन ने भी यहाँ पे। देखते हैं क्या होगा 2v5 की सिचुएशन। इस बार अरी का रस हुआ है सीधा, इधर रेटलर है और रे लो एक और नॉक। इस बार अरी सुदन बोल रहे हैं कि मैं देखता हूँ उसके, मैं मारूंगा इस बार। अरे भाई साहब 2v4 तो UMP की बॉडी के साथ इस बार ले जाएंगे 2v3 की सिचुएशन। क्या ही खेले ये दोनों सेर इस मैच के अंदर, भाई आतंक सा मचा दिया। एक पल लग रहा था कि हार जाएंगे पर क्या ही कमबैक करके इन्होंने बताया है भैया। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। रेटलर और अरी क्या करेंगे, और उधर अरी ने एक और को नॉक ले लिया है भाई। अरी सुदन राइट से जाएंगे और रेटलर लेफ्ट में फाइट ले रहे हैं, अकेले हैं रेटलर, रेटलर अकेले हैं, नॉक ना हो जाए रेटलर कहीं। भैया पागल हो गया हूं मैं इस मैच को देखते देखते। भैया क्या खेले हैं, अरे भाई क्या मचाया इन्होंने इस कस्टम के अंदर, और क्या मैच विनिंग पारी खेली दोनों लड़कों ने। रेटलर और अरी सुदन ने मचा दिया, पर यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं रेटलर भी, क्या कह रहे थे? एक ट्विस्ट है इसमें, क्या ये बस एक प्रैंक था, हम लोग कोई NXT लीव नहीं कर रहे, NG ज्वाइन नहीं कर रहे, जो जो गिल्ड में है वो बेस्ट है जी गाइस।